हेलो व्यूवर्स, कायनात के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बटर चिकन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया है और इस शेप में कट कर लिया है। तो यहाँ सबसे पहले डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। आप यहाँ चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। फूड कलर डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब डाल देंगे दही, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। ऑयल जैसे ही गरम होगा हम यहाँ चिकन फ्राई कर लेंगे। हम इस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं आप। अब इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई हो गया है, अब इसे पलट लेंगे हम। अब चिकन हमारा फ्राई हो गया है, निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे चिकन डाल दिए हैं। अब इसे पलट लेते हैं और उस तरफ से भी हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। हमें कुछ ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना था, बस हल्का सा इसे फ्राई करना था। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, यह ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। बस इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला और ब्लैक पेपर डाल के खाएंगे तो और टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब क्या करना है, ये सेम कढ़ाई में हमें डाल देना है ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ डाल देंगे हम रफली कट किया हुआ प्याज और इसे थोड़ा चला लेंगे सॉफ्ट होने तक। अब यहाँ डाल देंगे हम टमाटर रफली कट किया हुआ, इसे भी थोड़ा चला लेंगे। अब यहाँ डाल देंगे हम मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हमें सॉफ्ट कर लेना है, तो यहाँ डाल देंगे थोड़ा पानी, यहाँ डाल देंगे थोड़ा सा बटर और यहाँ डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। आप यहाँ चाहें तो अदरक लहसुन को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, वैसे भी हमें सारी चीज़ों को पीसना ही है। तो इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब यहाँ डाल देंगे हम काजू और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक अच्छे से हमें इसे भून लेना है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा पानी, थोड़ी देर से और पका लेंगे। ये देखिए मैंने गैस बंद कर दिया था और ये ठंडा हो गया है सब। इसे हम डाल देंगे मिक्सी के जार में और इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसे अच्छे से बारीक पीस लूँगी मैं। अब ये सेम कढ़ाई में हमें क्या करना है, जो हमने मसाला पीस लिया है इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे और साथ ही साथ हम यहाँ डाल देंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था और यहाँ डाल देंगे ढेर सारा बटर। यहाँ डाल देंगे फ्रेश क्रीम और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसे पकाना है हमें लगभग 15 मिनट तक।
सारे चिकन में फ्लेवर आ जाने तक इसे हम पका लेंगे। अब यहाँ डाल देंगे हम कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा सा तवे पे गरम करके हल्का सा डालने से और अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और इसे अब अच्छे से हम एक बार चला लेंगे। अब इसे हमें 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पका लेना है। इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे, इसमें चिकन में अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा सब चीज़ों का। अब इसे हम ढककर बनाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। वैसे तो चिकन गल गया है, अगर थोड़ा बचा होगा तो वैसे भी गल जाएगा। तो 5-6 मिनट हो गया है तो इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा बटर चिकन बनके तैयार हो गया है। बटर चिकन के साथ तंदूरी नान या बटर नान भी बहुत टेस्टी लगता है, तो इसके साथ आप वो ज़रूर ट्राई करिएगा। बटर नान की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही सिंपल और मज़ेदार रेसिपी मैं आप लोग के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।